मैं सब्जी गाइस आप लोग को दिखाता हूँ। ये पहली बार तो ये चिकन माम का चिकन और यहाँ पे बीन्स बॉयल और यहाँ पे सुअर का मीट साले सब का मैदा। क्या है ये क्या है? फुल कॉपी है ना। और यहाँ पे एग रोल है ना। हाँ। और सांपियो क्या नाम है, गजब नाम है यार सांपियो। ये देखो गाइस मेरा चीज अब खाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल और एक नया ब्लॉग के साथ। अभी फिलहाल मीनम का मम्मी है मेरे पीछे में और अभी मेरा बारी आ चुका है जाने के लिए। बापू अंदर में सो रहा है अभी भी, तो उसको देख के जा रहा हूँ। कारण भी नहीं है यार। और अभी हो चुका है अपना जर्नी, तो भले नए ब्लॉग में आप लोग को अपडेट करते रहूँगा कहाँ तक पहुँचा है। अभी चलते है ना, वहाँ पे नीचे से भी बुला रहा है। दोस्तों आपका पापा कहाँ जा रहे हो देखने के लिए, और मालूम चलने के लिए आपको रोज ब्लॉग को देखना पड़ेगा। हाँ, रोज ब्लॉग को देख लीजिए तो आप लोग को अपडेट मिलेगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ रहता हूँ। चलो जा रहे हैं हम लोग, इस गाड़ी से जाएंगे। हम लोग का घर से मतलब सामने से ही जा रहा है, देखो तो सोमपुर तक जाएंगे इस गाड़ी से। और अभी हो चुका है अपना स्टार्ट जर्नी, घुस चुका है अंदर तो पहुँच गया है गाइस स्टेशन में। और हम लोग का सामान यहाँ पे है पूरा सामान, और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। और फिलहाल गाड़ी तलाबुंग से आएगा, तलाबुंग से आने के बाद हम लोग टिकट लिया है ऑलरेडी कल हम लोगों ने, एंड उसके बाद हम लोग जाना है लुंगले। और फिलहाल के लिए यहाँ से ड्राई फिश ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से ड्राई फिश लेके जाएंगे 4-5 किलो, इसे ले सके जाएंगे बेंगलोर में क्योंकि वहाँ पे चाहिए, इसके लिए हम लोग ड्राई फिश लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए सुमो को वेट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे जब सुमो आएगा। तो आ चुका है अपना गाड़ी गाइस, और यहाँ इससे ही जाएंगे यही सुमो से, क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग टिकट लिया है। तो अभी पहुँच चुका है, अभी तोसुंग से जाएंगे अभी लुंगले, लुंगले के और अभी जर्नी स्टार्ट हो गया गाइस। अभी हम लोग जाएंगे गाइस, और सब लोग आ चुका है, हम लोग भी उठ गया है। यहाँ पे सामने में दो, मिडिल में तीन और पीछे में हम लोग तीन है। अभी जा रहा है अपना जर्नी स्टार्ट हो चुका है गाइस, और बहुत सारा बापू को याद करूंगा क्योंकि बहुत मिस करूंगा। हम लोग कितना दिन में पहुँचते हैं, कितना दिन में मतलब फिर वापस आ पाते हैं वो देखेंगे। बने रहे मेरे साथ, अपडेट करते रहूंगा गाइस। फिलहाल के लिए आधे रास्ते में पेशाब वगैरह कर रहा है गाइस, और इतना धूल होता है ना, रास्ता काट रहा है ना अभी यहाँ पे मिजोरम में बहुत धूल होता है पूरा। इतना में मास्क भी लेने भूल गया था यार, मेरे को मास्क लेना पड़ेगा आधे रास्ते से मिलेगा तो। और इतना धूल हो गया देखो, पूरा धुला धुला है, देखो बैग भी पूरा कचरा है। ये अभी अपना जर्नी अभी कंटिन्यू है गाइस। फिलहाल के लिए हम लोग चुमकुम में पहुँचा है, और यहाँ पे खाना खाना है हम लोग को होटल में, और हम लोग का चुमो यहाँ पे खड़ा हुआ है। एंड नया होटल खुला है मेरे ख्याल से, एक बार भी नहीं खाया है यहाँ पे, और पहली बार मैं यहाँ पे होटल में ट्राई करूँगा। और यहाँ पे पूरा बैनर भी लगा हुआ है, यहाँ पे देखो होटल एंड रेस्टोरेंट चुमकुम, जोरिन जोरिन होटल का नाम है। और यहाँ पे ये हम लोग लांची होगा, हम लांची करेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद अपना जर्नी स्टार्ट जाना है कंटिन्यू लुंगले ट्रिप। अभी घुस चुका है अंदर गाइस, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का जुगाड़ लगा गया है। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे खा रहे हैं हम लोग का आदमी जो है के साथ आता है, यहाँ पे बैठा है तीन और वहाँ पे बैठा है तीन, और यहाँ पे हम लोग तीन बैठेंगे, टोटल 9 है ये। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, यह है मेरा भैया और यह है मेरा भाभी भी लगता है जो, और मैं। अभी आ चुका है अपना सब्जी गाइस, आप लोग को दिखाता हूँ। ये पहली बार तो ये चिकन है जो फार्म का चिकन, और यहाँ पे बीन्स बॉयल और यहाँ पे सुअर का मीट जो, और यहाँ पे कुमरा कुछ बॉयल, और यहाँ पे चिकन के साथ मिर्ची जो बनाया हुआ है। और अभी हम लोग खाने के लिए जाएंगे, और यहाँ पे मेरा थाला ने लिया नहीं अभी तक, और टेस्ट करके दिखता हूँ यार थोड़ा चिकन कैसा है। अच्छा है देखो, इतने ही हम लोग का चिकन बीन्स बॉयल, और यहाँ पे है सुअर का मांस, और यहाँ पे है कुमरा का बॉयल्स, और यहाँ पे है मिर्ची, बस यहाँ पे है राइस। ऐसे ही हम लोग खा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे लंच कर गए, लंच करने के बाद अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मैं एक ही बात बताता हूँ गाइस, आप लोग अगर ऐसे होटल में खाना खाएगा ना, आप लोग 200 रुपया देना पड़ता है, उसके बाद आप जितना मर्जी फैट भर के खा लो आराम से, वही सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। और चिकन वगैरह सब जितना भी है सब्जियाँ दिया जाएगा आपको, और फैट भर के आप खाओ आराम से। हो चुका है मेरा खाना गाइस, और अभी तक हाथ धोया ही नहीं देखो, और मैं यहाँ पे खाया है, और इतना ही भाभी अभी तक खा रहा है। तो अभी मैं हाथ को धोना है एंड उसके बाद पैसा को देना है। हाँ तो खा लिया है गाइस, बहुत बढ़िया था खाना, और इतना अच्छा लगा मेरे को। चिकन और फॉर्क वगैरह तो मैं नहीं खाता हूँ, चरकाली चिकन और बाकी जो सब्जी दिया है वही खाया है, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा है यार। आप लोग मिजोरम में आके जरूर ट्राई कर सकते हो ऐसे रेस्टोरेंट में। और पहले आप लोग को बता दिया है कि खाली आप लोग 200 रुपया देना है, उसके बाद आपको जितना मर्जी आप खा लो, फैट भर के खा लो, 200 रुपया देना है बस, उसका ज़्यादा नहीं देना है आपको।
और चिकन वगैरह और पोर्क वगैरह वहाँ पे ही मिलेगा आपको, जितना भी बाकी सब्जियाँ है बॉयल वगैरह सब दे देता है गाइस, बहुत अच्छा है बढ़िया है। अभी स्टार्ट हो चुका अपना जर्नी कंटिन्यू गाइस, अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है गाइस लुंगले में, अभी लगेगा 5-6 मिनट एंड उसके बाद पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखता है घर कितना, देखो वहाँ पे देख सकते हो गाइस पूरा पहाड़, पहाड़ के ऊपर ही लुंगले बना हुआ है, देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ, पूरा नीचे में पूरा पहाड़ ही है और उसका ऊपर ही लुंगले है। देखो मिजोरम में ज़्यादातर ऐसा पहाड़ ही मिलेगा गाइस, और दूल्हा दूल्हा इतना दूल है, देखो सिर भी पूरा व्हाइट हो गया, देखो पूरा भाई बरी तो पूरा गजब हो गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा बोरी कितना दूल्हा हो गया। फाइनली पहुँच गया है गाइस, और हम लोग का यह है सुमो जो आया था हम लोगों ने, और यहाँ पे इतना सारा सामान, और साले साहब भी मेरे को वेट कर रहा था कि, और यहाँ पे देखो दूल्हा आप लोगों को दिखाता होगा गाइस, ओ भाई साहब इतना दूल्हा है, ये भी दूल्हा है। तो अभी रूम के अंदर जाते हैं हम लोग, रूम पे पहुंच गया है गाइस। उस दिन पिछले महीना आप लोग देखा होगा यही रूम पे हम लोग रुका था जब फैमिली पूरा आया था हम लोगों ने, एंड वही रूम पे है ये मासी का जो रूम, यहाँ पे रहता है वो लोग। मेरा साले साहब, देखो साले साहब भी वेट किया था मेरे को वहाँ पे काउंटर में, क्योंकि सामान बहुत सारा था ना इसके लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे, पहले तो बाल भी काटना पड़ेगा मेरे को और एक दो सामान लेना है, एंड उसके बाद वापस और रूम पे आएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बाल अभी तक काटा नहीं है और बाल काटना पड़ेगा गाइस। और हम लोग घुसा है एक रेस्टोरेंट में, और मैंने लिया है मैंगो जूस, और यहाँ पे साले साहब क्या लिया है साले साहब, और यहाँ पे ये ऑरेंज जूस है ना, और ये क्या है क्या सांपियो क्या शांतियों क्या नाम है मालूम नहीं है। और यहाँ पे ये है मैडम, साले साहब का मैडम, क्या क्या है ये क्या है, कूल कॉपी है ना, और यहाँ पे एग रोल है ना, और ये कूल कॉपी और एग रोल खा रहा है, इसका नाम मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, क्या क्या बोला शांतियों, क्या नाम है, गजब नाम है यार शांतियों। और मैं लिया है खाली जूस, और क्योंकि मैं होटल में खाना खा के आया था ना, फैट फूल था और खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं एक ही जूस लिया है। अभी हो चुका है अपना जो भी पीना था, जो भी खाना था खा लिया, और यहाँ पे बिल आ गया है 240, और हम लोग बिल दे रहा है, एंड उसके बाद अभी जाना है मेरे को, बाल भी काटना है और कुछ एक दो सामान भी लेना है। फिलहाल के लिए मैं टेम्पर भी लगाया मेरा मोबाइल में, एंड उसके बाद मैं एक केबल भी ले लिया, क्योंकि मेरा पास केबल नहीं था, आप लोग देखा होगा गाइस उस दिन हम लोग का लारू ने जो काट दिया था मेरा केबल, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को केबल जो 300 रुपया में लिया था, यहाँ पे है ना, ये देखो गाइस ये वाला 300 रुपया लिया है मैंने, और इसका कलर और ब्लैक है, व्हाइट नहीं मिलता है, मेरा एडाप्टर है व्हाइट और ये केबल है इसका मिला है ब्लैक, और मैंने टेम्पर ग्लास भी लगाया। एंड अभी मेरे को बाल काटना है गाइस, बाल अभी तक काटा नहीं है, और एक सामान लेना है, एंड उसके बाद जाएंगे रूम पे। अभी आ गया है गाइस यहाँ पे बाल काटने के लिए, और पहली बार काट रहा हूँ यहाँ पे, देखो भैया का जो सैलून है सैलून में काट रहा हूँ, बहुत दिन की बार, मतलब 4-5 साल की बार मैं सैलून में काट रहा हूँ, जब बेंगलोर में था मैं तो उस टाइम काटता, उसके बाद मैंने अभी तक एक बार सैलून में नहीं काटा है, आज मिजोरम में पहली बार काट रहा हूँ सैलून में, तो देखते हैं कैसा काट देते हैं गाइस। तो अभी बैठा हुआ उस हॉट सीट के ऊपर गाइस, और पीछे हुए हैं साले साहब, लगभग मैं 5 साल के बाद सैलून में काट रहा हूँ, जब बेंगलोर में बैठा हुआ था उस टाइम काटा था, उसके बाद मैं अभी तक एक बार नहीं काटा है, क्योंकि गांव में तो इस तरह का सैलून होता ही नहीं है ना, तो वहाँ पे दोस्त वगैरह काट देते हैं, तो ऐसा ही चलता है वहाँ पे गांव में। ये देखो गाइस मेरा जीजा काटता है, बहुत अच्छा से काटता है बाल। अभी मशीन से काट दिया है भैया ने, पूरा इतना लंबा लंबा गया, टाइम ही नहीं मिलाता यार काट मेरे को काटने के लिए बाल, इसके लिए काटना पड़ रहा है यहाँ पे। ये भैया वाले खाली खांसते हंसते है, देखो बात करो भैया, और मेरा साला बोल रहा था ये भैया बहुत बच्चे, तो अपना बाल भी काट चुका है गाइस, हो चुका है काट, अभी जा रहे हैं हम लोग, और मेरे को देखना है वहाँ पे दुकान में
कुछ और कैसा लग रहा है मेरे को, साथ पसंद नहीं आया यार, इमरजेंसी है ना, यहाँ पे रात भी होने वाला है इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी में काटा है साथ, इतना अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं लगा मेरे को, ये साले साथ जैसे काटा मेरे को भी वैसा ही काट दिया, तो मैं ये नहीं रखना चाहता, पूरी बार नहीं, बेंगलोर में जाके अच्छी तरह काटेंगे कुछ, सब कुछ करके सब कुछ जो भी बाल काटना है काट लिया है, जो भी ले रहा है ले लिया है गाइस। और अभी पहुंचा है रूम पे जहाँ पे आज रात हम लोग रुकेंगे क्योंकि कल सुबह यहाँ से और आइजल जाएंगे। और नीचे में देखो पूरा बोल खेल रहा है नीचे में, यहाँ से आराम से देख सकता है। और ब्लॉग को इसमें रख लेता हूँ गाइस, और जो भाई लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कीजिए क्योंकि जब भी हम लोग नया वीडियो आप लोग करें आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिले गाइस। और मेरे को फोन भी चार्ज में लगाना है गाइस।